आईआईटी बीएचयू में छात्रा से हुए दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लगातार विपक्षी पार्टियां भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी की महिला विंग ने प्रदर्शन करते हुए भाजपा नेताओं को चूड़ियां भेजकर अपना विरोध व्यक्त किया। कांग्रेस महिला नेत्रियों ने आईआईटी बीएचयू की छात्रा से हुए दुष्कर्म के मामले पर भाजपा नेताओं से चुप्पी तोड़ने की मांग की है। वाराणसी के नदेसर स्थित डाकघर के बाहर पहुंची दर्जनों की संख्या में कांग्रेस की नेत्रियों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपने हाथों में चूड़ियां लेकर प्रदर्शन करती हुई कांग्रेस की नेत्रियों ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के घर पर चूड़ियां भेजकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेत्रियों ने पोस्ट ऑफिस जाकर डाक के द्वारा बीजेपी के शीर्ष नेताओं को चूड़ियां पोस्ट करते हुए पीड़िता को न्याय देने और दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। कांग्रेस महिला विंग की महानगर अध्यक्ष पूनम विश्वकर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आईआईटी बीएचयू में पढ़ने वाली एक छात्रा से दुष्कर्म किया गया। कांग्रेस नेत्री का आरोप है कि 5 दिन बाद ही आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी 2 महीने बाद की गई। 5 राज्यों का चुनाव बीत जाने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर खानापूर्ति की गई है। कांग्रेस नेत्रियों ने मांग की कि आरोपियों को कड़ी सजा दिए जाने के साथ ही उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पहले ही आशंका जताई गई कि इसमें बीजेपी से जुड़े लोगों का हाथ है, ऐसे में उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। जब यह साफ हो गया कि आरोपी भाजपा आईटी सेल से जुड़े हुए हैं तो लोग उन पर फर्जी मुकदमा हटाए। आज हम आए हैं यहाँ पोस्ट ऑफिस पे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चूड़ियाँ भेंट करने के लिए। महामना की बगिया में 1 नवंबर को जो घृणित कार्य उनके द्वारा पोषित गुंडों द्वारा किया गया है, एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है और 2 महीने तक उसे छुपा के रखा गया, उनको पोषण किया गया, उनको चुनाव प्रचार के लिए बाहर भेजा गया। जब ज़्यादा प्रभाव दबाव पड़ा जनता का और दूसरे पार्टियों का, तब जाकर के उनको अरेस्ट किया गया और जेल भेजा गया। इसके विरोध में हम आए हैं और उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हम आए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के ऊपर जिस प्रकार फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं और उनको मानहानि का केस किया गया है और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के खिलाफ जिस प्रकार मुकदमे लगाए गए हैं, उसका भी विरोध करने के लिए हम आए हैं। प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी, बाकी लोगों को हमारी मांग है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से वो तुरंत मुकदमे हटाए जाएं, विश्वविद्यालय के बच्चों से मुकदमे हटाए जाएं, उस बच्ची को न्याय मिले और जिन्होंने ये घृणित कार्य किया है उन्हें तत्काल फांसी दी जाए। जेल जाना कोई बड़े बात नहीं है, जेल तो बहुत लोग जाते आते हैं और जेल से वो छुड़ा भी लेंगे। हमारी मांग है कि बनारस से ये संदेश जाए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी को बचाना है तो उनके संसदीय क्षेत्र में इतना घृणित कार्य हुआ है और महामना की बगिया में हुआ है, तो इसलिए उन्हें तत्काल फांसी होगी तो हम मानेंगे कि जो भारत सरकार के नेता और मंत्री कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो मोदी जी की गारंटी काशी से शुरू होनी चाहिए, उनके संसदीय क्षेत्र से शुरू होनी चाहिए कि मोदी जी ये गारंटी दे कि जो यहाँ पे अपराध हुआ है उनके पार्टी के द्वारा पोषित गुंडों के हाथों जो बच्ची की असमत लूटी गई है, वो अगर यहाँ उनको फांसी देंगे तो हम मानेंगे कि मोदी की गारंटी कुछ हद तक सही है। अदरवाइज ये देश की महिलाएं और बेटियां मान लें कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, कोई गारंटी नहीं है किसी की जान की, किसी के मान सम्मान की, किसी की इज्जत की कोई गारंटी नहीं है। मेरी मांग यही है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए और जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये भाजपा के लोगों का है, तो उन पर फर्जी मुकदमा कर दिया जाए। उनकी तानाशाही जो सरकार है, छात्र संघ भी जब उन लोगों ने वो किया उन पर भी मुकदमा हो गया, मतलब झूठ का बोलबाला जो बोलता है उस पर मुकदमा दे, उस पर माफ़ी मांगे और कड़ी से कड़ी। आज हम उन लोगों ने चूड़ियाँ भेंट की है कि वो शर्म करें, जब बहू बेटियों बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो चूड़ियाँ पहन के घर बैठे। स्मृति ईरानी जी ने बहुत चूड़ियाँ भेजती थी, अब वो सो गई हैं कि उन्हें एहसास नहीं है कि बच्चियों की असमत लूट रही है, तो चूड़ियाँ पहन के बैठे या चूड़ियों से वो शर्म करे कि बच्चियाँ भी चूड़ियाँ पहन।